कराची में एक बार फिर सरफराज जदून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत कर गए। मसीह जानते हैं दाऊद खान की इस रिपोर्ट में। कराची में एक बार फिर सरफराज जदून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर गया। अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर शाहिद सैयद, सूबाई जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान बुनियारी, जिला कुम्हियाड़ी का सदर अली खान काकड़ व दीगर कारकुनान ने भरपूर शिरकत की, जबकि सरफराज जदून का शुक्रिया अदा किया। हमने हमेशा अपनी कौम की खिदमत की और खिदमत करते रहेंगे। जबकि सूबाई सदर शाहिद सैयद का कहना है कि सरफराज जदून को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो अपना घर वापस आ गया। सरफराज हमेशा हमारे बच्चों जैसा है। जबकि यूनुस खान बुनियारी का कहना है कि सरफराज जदून जिला कुम्हियाड़ी का दिल है, जबकि सरफराज जदून की कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। जबकि सूबाई सदर का कहना है कि कराची में हमारे कौम के बड़े मसाइल हैं, मसाइल हल के लिए हमें एक होना पड़ेगा। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं सबको अपने घर पार्टी में ले आऊं। मैं तमाम जिले के सदर इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने जिला यूसी मजबूत बनाए, जहां उदेदारान कारकुनान इनके मसाइल को देखा जाए, ताकि एक बार फिर अवामी नेशनल पार्टी और इस कराची शहर को जमात बनाए। शाहिद सैयद का मजीद कहना था कि हम इलेक्शन हारें या जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जीते हैं वो कौन सा मसाइल हल कराए। हमने तो हमेशा अपनी कौम कराची की बात की है। कराची में अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान की बड़ी कुर्बानियां हैं, इस कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हम इलेक्शन हारें या जीते, खुदाई खिदमतगार की कोई जीत या हार नहीं होती, हमेशा खिदमत करते रहेंगे।